सत्संग राम कृपा नासे सब रोगा, जे भांति बने संजोगा। सतगुरु वैद बचन विश्वासा, संध मिये ने विषय क्या सा। इस उपाय का अर्थ है रामायण की कहा कि बड़ी कृपा हो परमात्मा की तो सब तरह के रोग दूर हो जाते हैं मनुष्य के। राम कृपा ना से उसकी कृपा हो, बड़ी दया हो तो आदमी के राम की जी। राम वो राम वो एक राम वो एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में बैठा, एक राम का सकल सारा एक राम सभी से नारा। तो वो राम जो बताया है ना किसी ऋषि जैसे मुनियों ने बताया कि बताया है दशरथ का बेटा, तो एक राम दशरथ का बेटा। दशरथ के बेटे की कथा पढ़ोगे तो आपके संस्कार आएंगे, एक राम दशरथ का बेटा। तो उसके जब दशरथ के बेटे को पढ़ेंगे तो श्रद्धा बढ़ेगी कि ऐसा होता है राम, ऐसा होता बड़ा, क्यों आदमी की तारीफ है ना, वो आदमी के रूप में उसकी तारीफ है। तो पहले उसको अवतार का जो माना हुआ है सब मान दिया उसने, तो राम तो ऐसे थे, वो ऐसे थे, वो ऐसे करते थे, वो ऐसे करते थे, ऐसे करते थे। तो उसे क्या ये कथा से संस्कार बन जाते, पेश बन जाते, नहीं तो आदमी को पता नहीं। तो पहले इस राम का पता चल जाए कि क्वालिफिकेशन बताइए कैसा हो बेटा राम जैसा। उसको शास्त्र देख करके उन विशिष्ट ने बताया कि इसका फलाना दिन मुहूर्त का बहुत अच्छा है, रात गद्दी उस दिन मिलेगी। वो दिन निकाला था जो तीसरी रात से, और जब वो निकाला फिर वो केकई की तरफ से जो पढ़ना था भिजोग लंबा प्रबंध करा, उसने कोई वचन दिया था राजा ने पहले वचन दिया हुआ था, और उसके दिल में आई कि राम को राज न हो कि मेरे बेटे को मिलना चाहिए, ऐसे करिए षडयंत्र। और उसको उस दिन देश निकाला दिया गया कि ऐसा रहा, उस पर तो राजा की तरह की बात कर दी, उसको राजा बना दिया ये होगा। और उसके बाद उनसे बाप ने कहा कि बेटा ऐसा कि उसे अपना वचन था कि वो बताता नहीं मेरे को ऐसे वचन दिया हुआ है मैंने, और वो आज वचन उसने मांग लिया, तो इसलिए तुम अभी 14 साल के लिए घर से जाओ। बात फिर नहीं भेजते चाहते हुए दशरथ ने क्या करा, वचन रखा कि रघुपति रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन दाई। तो उनके नेम था राजा सुन चाहिए प्राण चले जाते, वचन तो दिया उसको मुकलना चाहिए। तो उसने बेटे को दे सुनता दिया, तो बेटा राम जैसा होना चाहिए जो बाप की आज्ञा। और आज का बेटा हो तो बोले कि उसने मेरे को राजा बनना समझ क्यों जाऊँ, मैं तो राजा हूँ, आपने बढ़ा दिया था ना मेरे को, आज का बेटा जाने की तैयार नहीं। और वो उसने खुशी खुशी पिता की आज्ञा मान ली चला गया। पत्नी सीता जैसी हो वो तो यह कथा है। तो राम दशरथ का बेटा उसको नहीं पढ़ेंगे, कथाओं को नहीं सुनेंगे तो हमें संस्कार नहीं बढ़ेंगे, हमें संस्कार बढ़ेंगे आनंद आएगा ऐसा हो। तो उसके नियम अपनाएंगे कि पुत्र राम जैसा होने, पत्नी सीता जैसी हो। तो पति जहाँ जा रहा है वही मैं जंगल में जाऊँगी, बड़ी तकलीफ हो, बोले आप जाओगे हम चल देते, आपको तकलीफ मुझे क्या तकलीफ। पत्नी वैसी हो माँ को सिल्ला जैसी हो, भाई जो है भरत जैसा हो, लक्ष्मण से भरत जैसा हो, जिसके लिए राजगद्दी का प्रबंध किया वो राजगद्दी करके खड़ाऊ लिया है राम की। अरे 14 साल वो बारे से उसने खड़ाऊ रख दी कि खड़ाऊ राज करेंगे। तो भाई आज भाई भाई हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कथा है तो राम दशरथ के बेटे वाली बात को पहले समझा जाए, वो गलत नहीं हो, कथा ठीक है, कथा भी ने संस्कार ही नहीं, संस्कार बन गए जिसका पहले सुने हो अब सुने हो, संस्कार बन गए धर्म के प्रति, धर्म कोई चीज़ होता है, राम कोई चीज़ है, विश्वास बनता पहली बेस है। उसके बाद एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में बैठा, इसकी खोज बाद में करी जाती है। जब कथा सुन ली उसके बाद में योग की बात करी जाए, तो मेरे को अपने जो सत्संग है ये कर्मकांडी नहीं समझते, कथाकार की पुरानी बात को पुरानी तक रिपीटते हैं, बात ठीक है या कथा सुनने तक तो ठीक है, तो कथा सुन ली जाए बात आ गई। पर पूरी उम्र अगर बच्चा पहली क्लास पढ़ना चाहिए ज़रूरी है, लेकिन पूरी उम्र अगर पहली क्लास में बैठे रहे तो क्या फ़ायदा है। तो इसका उसका क्वालिफिकेशन जैसे बच्चा पहली पढ़ी करके सेकंड थर्ड वगैरह ऐसे में जाए वो बढ़ता जाए आगे की तरफ, और उसी जगह नहीं बैठे रहे तो ये लोग उसी जगह बैठे हुए अज्ञान से, ये सोचते यही बात है। और वो बात तो कथा है, बेस बनाई गई। तो दूसरा राम जो घटघट में बैठा उसका उसको पता हो जाए, तो मनुष्य इसी तक कर सकता है, ये जान सकता है इसको। मुख्य चीज़ जो है वो अगला तक तो पहुँच ही नहीं सकता, जो एक राम का सकल पसारा हुआ तो पहुँच ही नहीं सकते, वो जाएगा नहीं, वो तो सामने उसका खेद हो रहा है, यहाँ प्रकाश है, सूर्य के पास कोई जा सकता है क्या? सूर्य के पास जाएगा जल जाएगा, पहले कई मील पहले खत्म हो जाएगा, समझेगा नहीं।
तो फिर दूसरा राम जो है क्या घटखट में बैठा। इसका अगर पता करिए आदमी तो हद, इसका पता फिर से बिन सत्संग विवेक न हो ही राम कृपा बिन सुलभन सोई। तो इसका पता सत्संग से चलेगा, सत्संग देने वाला खुद अनुभवी वीतराग हो, निर्माण प्राप्त हो, जीवित मुक्त हो, तो वो उसका कोई लाग लपेट नहीं लगाएगा, वो उसके साथ प्रोत वो सीधा तरीका बताएगा। और सीधा तरीका बताएगा कि पहले तो अपना कर्मों को ठीक कर विचारों को, जो बताते हैं ना लोग, तो ये सत्संग इसलिए विचारों को ठीक करने की बात है। तो राम कृपा नाश से सब रोगा सब रोग, गोस्वामी तुलसीदास की विनती है कि उसकी कृपा हो तब रोग नाशेगा। एक रोग थोड़ा इसका पक्षपाति ये है, और तरह की हर तरह के संस्कार बड़े बड़े। तो घटिया विचारों को हटा करके और जो आदमी अपने का इसलिए रूप अपना रूप बता दे इस संसार की चीज़ उसको सब कुछ दिलाते हुए तरीका करके, और फिर बाद में कह दीजिए तो यहीं रह जाएगा, ठीक होते थे राज फिर आज तो खत्म हो जाए, फिर आप चले जाएंगे और तो ऐसे रहेगा या ये प्रॉपर्टी सब इधर ही रह जाएगी, होनी चाहिए आपके पास। इसका मतलब ये नहीं कि नहीं, एक अगर ये कहता अगर नहीं चाहिए तो अधूरा है। वो देखता है डॉक्टर एक तरह का, और डॉक्टर रोग को डायग्नोसिस नहीं करता तो डॉक्टर क्या डॉक्टर है, रोग कुछ दवाई कुछ देता है। तो गुरु जो है अनुभवी पुरुष है, वो आदमी की स्थिति के अनुसार उसकी प्रकृति के अनुसार उसको ज्ञान देगा। एक तरीका नहीं है सब, कैसी प्रकृति है, कैसे पंडित फकीर सिंह जी को कैसे ज्ञान दिया गुरु जी ने, कितनी दिन सेवा कराई, कितना लंबा समय बताई भी नहीं, आखिर आखिर मुँह से कहा ही नहीं कि मैं कहीं जाता हूँ। वो फिर उसको दूसरा बताएगा जा तेरे को आज बताऊँगा, सेवा करा कर सत्संगियों की और सत्संग दिया कर, ताकि इसके अंदर जो इस उनके अंदर ये रूप प्रकट हो वो बताएंगे तभी यकीन करेगा कि मैं नहीं गया। तो उसका कैसी टेक्नोलॉजी थी अलग अलग, उनने वो ब्राह्मण थे सब कुछ थे, पर तो ब्रह्मचारी कमी थी तो उसकी पोस्टिंग करा दी अलग, और वो वहाँ पर रहा। उसको पता चल गया ब्रह्मचारी ज़रूरी है और मेरी यह कमजोरी है। तो कहते 11-10-11 साल तक तो जो नहीं रहेंगे, एक तारा देख बैठ जाता रोता रहता था, शब्द गाता रहता था, तो शब्द गाने से हमारा इकट्ठा होता था, शांति मिलती थी। और 14 साल में जब उसका ब्रह्मचर्य कायम हो गया और फट प्रकाश आने लगा उसका, और फिर प्रकाश का दर्जे उसे पार किया अपने सबका, सिद्धियाँ ली दिद्धियाँ ली सब, और फिर भी ज्ञान नहीं बताया। फिर उनने बड़ी कोशिश करके फिर एक दिन प्रार्थना करी, तो बोले अच्छा तेरे को कल दिखाऊंगा, तो मेरे को वो बताओ जो आपका राधा स्वामी बताता है। सबके ऊपर ही झाड़ू फेर दिया और कहते राधा स्वामी पूछे और पूछे नहीं, तो वो बात बताओ मेरे को। इसे सब मेरे बुजुर्गों पर व्यास नहीं पूछा, विशिष्ट नहीं पूछा, आराम नहीं पूछा, ये तो हमारे बड़े बुजुर्ग थे, इनको मानते थे, और उनके मेरे को वो बताओ। तब फिर उन्होंने ये सब बताया कि तू सेवा करे इस तरीके से, ये नहीं कहते मैं कह देता हूँ आप ही सुरन सो, अरे ये सो कितने पकड़ते हैं इस बात को, मैं कह तो देता हूँ और बात बताता हूँ कि तू बात बता दे, पर कितने पकड़ते हैं इसको बात, कितने का निश्चय हो जाता है कि मैं हम ही सुन, जितने बैठे हैं कुछ नहीं, क्योंकि उनकी कोई कमाई नहीं। तो उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है कि सेवा है, वो सेवा करे, मन नरम हो, मन पिघल जाए, उसकी आस्था बन जाए और रेडिएशन दे, धोती वो धोता ये वो करता नहलाता है गुरु को। कहते गर्तन की सेवा क्या है, रसम क्या आर्थ सेवा नित्य करें, आर्थिक सेवा आर्थ सेवा नित्य करें, काम क्रोध मद लोभ सब चित्त से हरे, शरण दबावे पंखा फेरे, चक्की पीसे पानी भरे, मोरी धो झाड़ू को धोए धावे, खोद झाड़ू दे खोद खजाना मिट्टी लावे, ये नीचे लिपाई होती थी पर सीधी नहीं सीमेंट उसकी टेपर मिट्टी लावे, काट पेट से दंतन लावे, फिर के बटनामल स्नान करावे, बटनामल ऊपर और फिर स्नान करावे, अंग पूछे धोती पहनावे, करे रसोई भोग धरावे, पिलंग बिछावे बेनती करे, पीक दान ले पी कर रसी थी पीक पान खाने की, पीक दान ले पी करावे, फिर सब पी आप पी जावे, तन की सेवा ये अब कहता कोई टहर में आल न लावे, गुरु कहीं सोकार कमावे। फिर धन की सेवा, धन की सेवा ये है भाई, गुरु सेवा में खर्च कराई, गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, गुरु पर धन भक्ति रतन का, पर तेरा उपकार करावें भूखे प्यासे को दिलाएं। फिर आप कहते
गुरु का खुश होना है भारी, सतपुरुष निज कृपाधारी। अरे वो कैसे खुश होगा, उसको सब कुछ मिला हुआ, उसका बड़ा भारी है, वो सतपुरुष है निज कृपाधारी। ये सेवाएं करने के बाद राष्ट्र में भयम महसूस होता है। फिर वो कहता है जाके बैठे दर्शन करे, सत्संग सुनने की पोजिशन बताते हैं, दर्शन करे वचन पूरी सुने, सुन सुन के निज मन में गुणे, गुण कर काट ले वे सारा सार धारती करे आ रहा कर हार पुष्ट हुआ भाई, जग भय भय सज गई नहीं, ये मजबूत हो गया संसार का जो भय है डर है खत्म सबका। अगर अस्वस्थी सेवा ये अंतर्मुख बैठे एकांत, वही अभ्यास वाले बात आगे भी, अंतर्मुख बैठे एकांत जब इतना सत्संग करके इतनी सेवा करता तब जाके साधन बढ़ेगा। और ये साधन तब आदि नाम देखिए हर अंता तब इसी में सत्संग सुन लिया, तो आपका किताब पढ़ ली मैंने आपकी, अरे वो पढ़िया किसी एक कौन सी पढ़ी है पता कुछ नहीं, तो मैं जब कह दो किताब पढ़े उसने मन से ये किताब पढ़ी तो उसका काम हो जाएगा, सब ज्ञान जो मैं देता हूँ वो ज्ञान यही मिल जाएगा उसको। तो अब ये चौथी सेवा क्या है, अंतर्मुख बैठे एकांत अभ्यास करे पावे मन शांत, इन मन को इकट्ठा करने से शांति खुशी मिलेगी। अभ्यास का मतलब क्या है कि मन को इकट्ठा करने की विधि है, मन जब इकट्ठा कर दिया तो उसको शांति मिल जाएगी और मन की प्रवृत्तियाँ ये है वो विचार आते रहेंगे अशांति रहेगी। तो अभ्यास क्या चीज़ है, मन को इकट्ठा करनी है, योगा से चित्तवृत्ति निरोध है, चित्त की वृत्तियाँ ठीक हो जाती हैं, योग का मतलब तभी बात को समझ आ जाएगी। योग करने का साधन का मतलब यह है कि आप दो घंटे एकाग्रता से आए, अब अगर जो गुरु बात करता हो वो समझोगे आप, मन इकट्ठा हो गया आपका, इसी के पर्पज के लिए। जो कल बताया था ना ये गुरु मिले फिर कहाँ कमाना, वो गुरु बात बता देगा उसको सही, पर वो बात समझ किसका आएगी, जिसने ये तीन चार सेवा कर ली, मन इकट्ठा कर लिया, तो वो ये नहीं कि वो कोई अभ्यास के अंदर चीज़ है, अभ्यास का मतलब मन ठहरने की आदत होगी। अब वो जब जाके बैठेगा तो बिल्कुल एकदम देखता रहेगा उसको गुरु के, हाँ गुरु का देख आँख और माथा खरपूत से डॉक्टर सत का नूर रहती साथ, वो पूरा पूरा जो उसका गुरु का है वो उसके रेडिएशन से डॉक्टर दे, ये अभ्यास का अभ्यास करें पावे मन शांत। दो दर उल्ट गगन को धावे, इन जो जितनी जीते प्रवृत्ति है आँखें ऊपरी चल चल जाती और गगन को धावे, तो गगन से उसको क्या मिलेगा, वो रूप का ध्यान करेगा तो रूप आ जाएगा, और रूप से आगे चला गया तो प्रकाश आ जाएगा, रूप को छुटाएगा गुरु ऐसे नहीं आएगा। बाहर के गुरु की हर स्टेज पर जरूरत है, और जो अकेला अभ्यास करता है वो उसका कोई अंदाज़ा नहीं, कुछ जो संस्कार है बाहर के संस्कार दिए जाते हैं। तो ये आपको बताया मैंने, ये तरीका था काम कहाँ से शुरू किया था हमने, राम कृपा नाशे सब रोगा, जय भांति बने संजोग, ऐसा संजोग बन जा, कैसे सतगुरु वैद्य, कोई सतगुरु अजा वैद्य बन के ज्ञान देने वाला, सतगुरु वैद्य और वचन विश्वास था, और उसके वचन का विश्वास हो, सतगुरु वैद्य वचन विश्वास था, संयम ये यानी यत्न ये है, इसका प्रेज ये है, ये बात समझनी है, संयम ये ने विषय क्या था, फिर दूसरी बात के विचार नहीं करें, इधर चाहे गुरु धारण कर दिया वो कर दिया ये कर दिया या और सोचा रह गया, वो आया तो सत्संग के लिए और चीज़ पढ़ने लग गया, ये चीज़ बुद्धि जरूर चली गई, और वो कर्मों का चक्र है, इन साथ क्या साथ जैसे कमला जी हैं, अब साथ भी है छू तो लिया बिल्कुल मन नहीं ठहरता, अगर मोबाइल है तो मोबाइल सीख रही कुछ करी जरूरी है इसकी मोबाइल की, और शेर सपटे की अभी तक आदत है, शेर सपटा और कपड़ों की अभी तक आदत है कि कपड़ा अच्छा पहनूं, जो संस्कार है ना वो छूटते नहीं संस्कार, तो इसके फिर यह कहता संयम ये ना विषय क्या ऐसा और चीज़ क्या ऐसा नहीं हो, एक ही चीज़ एम उपदेव व्यक्त क्या है कि मैं जानूँगा अपना, तो वो जो लगन होगी वो तो उसकी कामयाब होगी, वो हमारी होती नहीं क्यों कि हमारे संस्कार है पीछे, तो वो विचार आ जाते हैं आगे जो बीच में और काम करना होता वो आ जाता है और टिकते नहीं, तो राम कृपा नाश से सब रोगा जय बांधती बन संजोगा, ऐसे संजोग क्या बनिया सतगुरु वैद्य, कोई सतगुरु मिल जाए वैद्य बन के आ जाओ, दर्द है ना तो सतगुरु आ जाएगी, क्या हो गया अज्ञान का दर्द है उसको, सतगुरु वैद्य और वचन विश्वास है और उसके वचन का विश्वास करें, और फिर परहेज क्या है संयम ये न विषय क्या सा, संयम माने यत्न क्या करना है, और चीज़ की तरफ सौदा दिला दे, वो सौदा दिला देते हैं ना वो हमारे कर्म होते वो हम करते रहते हैं, उसकी टेक्नोलॉजी आगे आएगी, फिर आगे आएगी वो कर्म वगैरह करता है जाहिर सब काम करेगा और वो कुछ परवाह नहीं करेगा, वो आगे इस आगे की पड़ी है,
तो पहले के सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा और संत मीर विषय, ये है राम कृपा। एक राम दशरथ का बेटा ये है पहले वाला, ये स्थूल जो आदमी है उसके ज्ञान की बात को समझे, उसको पूरा माने, उस पर विश्वास करे, उसकी सेवा करे। सेवा दे कितनी कड़ी सेवा बता रखी, हम चलते 5 रुपया दे दिया, ये भी सेवा है, धन की सेवा है ना, धन की सेवा कर दी बिल्कुल ठीक है। लेकिन मन बुद्धि से तो सेवा करी जाए, तो शरीर की बताइए, अब यहाँ शरीर कोई कौन सेवा करेगा, माँ बाप की तो होती नहीं, माँ किसी की असर मृत है, बाप है तो उसकी सेवा करे, साल सामने बीमार रह गया तो कोई कर नहीं सकता, तंग आ जाते हैं, चल पड़े तो अच्छा रहे, भगवान की कृपा कर, सेवा कर नहीं सकते, उमंग नहीं कि चलो जब तक बैठे हम सेवा करूँ उसकी। तो ये इस तरह से आपको जो बताया है कि एक राम दशरथ का बेटा, ये दशरथ का बेटा कि जीवता जागता महापुरुष को आए और वो ज्ञान देगा, और वो जीवता जागता आखिरी तक की मंजिल वो तय कराएगा, आखिरी तक का जो संस्कार वो देगा, और देने के बाद फिर आखिरी सब जब दे दिए उसके बाद फिर आखिरी ये बताएगा उसको कि ये सब शक्ति तेरे में है, ये तो बाहर देखा सब माया है और अंदर तो देखे इतने माया, तेरी माया वो थी, तो पहले रूप देखा तेरी माया थी, वास्तव रूप बाहर से नहीं आया, प्रकाश देखा तेरी माया थी, प्रकाश तेरे को नजर आया वो, और वो माया थी तेरे साथ रहने वाली, सदा नहीं रहने वाली चीज, और फिर वो आगे चलेगा राम नाम आ गया तो राम नाम को कहता चलता रहे, इसका सुनता रहे, कहता जब राम नाम उसके अंदर दाखिल हो जाएगा, जैसे मर्द हो जाएगा तू, तेरा होश खत्म हो जाएगा, कोई पता नहीं चलेगा, दिन की तरह चल जाएगा उसको, इतनी देर तो उधर उधर चला गया, वो सुख है वहाँ, कोई चिंता फिक्र डर, वो प्रभु ईश्वर का अंश बन गया, ईश्वर का जो अंश हो गया उसमें सामने हो गया वो, और फिर शरीर में आता है। तो ये बाहर का गुरु कराएगा, बताएगा उसको, और जीवित मुक्त अवस्था में बाहर का गुरु कराएगा। जब मैं 1962 के अंदर दिल्ली के अंदर लाल किले में बैठे बैठे अफसर मेस में मेरी समाधि लगी भोजन के टाइम पर, और भोजन सब इकट्ठे करते थे उस वक्त, अंग्रेजों की चाल थी ना, सब अफसर डिनर लाइट होती थी, तो खाना लग जाता उस वक्त सूट देता और लड़का कि सब खाना लिए, तो वो सीनियर जो था एसएम होता था, एसएम कहीं नहीं होता तो उसकी जगह जो सीनियर होता था वो चलो वो था पहले शुरू करता, सब शुरू करते थे, ऐसा दस्तूर था उनमें, मैं सर्टिफिकेट था। तो उससे दिन मेरे साथ एक घटना घटी कि मैं उसे बैठे बैठे गुम हो गया, बेहोशी में चला गया, आलू खाना खाने चला गया, तो भजन सिंह एक सुधार था वो मेरे को देख रहा था कि मैं बैठा रह गया, सरदार जी था फर्स्ट गार्ड का था, वो फर्स्ट से पंजाब की थी, वो गार्ड के अंदर शामिल हुई थी, वो आके जल्दी से मेरे को की कर दे तुसी मगर है होश आया मेरे, तुसी सुन दे तो असी किसी आवे, तुम सबसे सीनियर हो और आप भोजन लग गया खाने के टाइम पर सलूट दे गया और आप सोए रह गए, मेरे को सोना नहीं था, मैं सोचा तो गायब हो गया, तो बात क्या बात हुई, कैसे नींद आई है, ये खाना खाया, 2 दिन सोच करके वहाँ से छुट्टी ले करके पंडित फकीर सिंह के पास उसके घर गया, घर जा करके बातचीत में भारत जी बोले अब तेरे को ज़्यादा कुछ साधन सुधरने की बात मत कराया कर, तू तो तेरा काम करा कर और ऐसी कोशिश मत करा कर, सहज में हो जाए तो कोई बात नहीं, तो कोशिश मत करा कर कि मैं ध्यान करूँ ईश्वर बोलूँ, बिल्कुल काम करता रहेगा और अपना काम ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा, इसकी पूर्व मत करा, इनको कहते कर्म करे नहीं कर्म रहे, इन साधन तो कर रहे हूँ और साधन मैं नहीं कर रहा हूँ, हो रहा है आप ही हो रहा है, सजे दिन होता हरदम कटके मैं। तो ये अवस्था सतगुरु की कृपा होगी, आखिरी टाइम तक का ज्ञान जीवित मुक्ति का वो देगा और बताएगा अब जब तक रहेगा जिस दिन तू नहीं आएगा तेरा कर्म सूख जाएंगे ना, अगर तेरे को भय हो जाएगा तेरे को तो मैं चाहता मैं चाहता रही ये चीज़ भूल जाएगा इस ज्ञान को कि तू यहाँ पर किसी खास मिशन को लेके आया है, प्रारब्ध कर्म ही ये तो तेरा भोगना है सब, और ये जिससे ख़त्म हो जाएंगे तो अभी आगे तो बढ़ाया नहीं, इसलिए तो फिर उसी में दाखिल हो जाएगा, मर्द हो जाएगा, इन्हें हवा हवा मिल गया तो सब कुछ उसके अंदर मिल जाएगा, ईश्वर अंश बन जाएगा। ये बार का गुरु जब तक सत्संग नहीं देगा खड़े तो आदमी को ज्ञान नहीं हो सकता, समझे ना। तो राजस्वाम क्षेत्र में सिर्फ जीवते गुरु को मान्या, ये नई बात बताई इन्हें, और उन तो विश्वास का काम था, मैं चलता था परवाह नहीं करी, इन्हें कहा वो ये जीवते गुरु की जरूरत है, गुरु और तो जीवते जीवता करो, मूर्ति को बना लिया तुमने गुरु बना लिया, मूर्ति क्या कही तुम, सिद्धि आ जाएगी मन इकट्ठा हो जाएगा,
ये एक विशेषता है इस मंत्र की, बड़ी भारी खास विशेषता बताई है। शालिग्राम ने जो बताया है वो खोल के बताया कभी जीवते गुरु के नीचे शालिग्राम में ये भक्ति करिए, गुरु की ये सेवा करिए। हजूर शालिग्राम ने स्वामी जी की, स्वामी जी तो वही ग्रंथ साहब वगैरह की बातें बताता था कुछ, इसने उसको प्रकट कर दिया। स्वामी जी को शालिग्राम ने किया, मामूली पोस्ट मास्टर होते हुए उसने सेवा करी और फिर वो PMG कलकत्ता बना, इंडिया का वो ब्रिटिश इंडिया का पोस्ट मास्टर जनरल कलकत्ता, बड़ा बड़ा। और प्रसाद जाता था, गाड़ी जाती थी, जब वो प्रसाद जाता था तब खाना खाता था, गाड़ी से जाता था प्रसाद वो खा के फिर बाद में वो भोजन करता था, ऐसा आदमी था। तो उस आदमी ने ये सबको लिखा, तो उसने बताया कि जीते गुरु बिना काम नहीं चलता। आखिरी जब मुक्ति अवस्था तक चला गया, कोई प्रकाश में चला गया, फिर वो गुरु से ताल्लुक तोड़ दिया, उसे उसको नहीं मानता कुछ नहीं, उसको भी जीवंत आदमी बताएगा। तो गुरु जब थोड़ा छोड़ता है अनुभवी तो ये बता जाता है कि मेरे बाद तेरे को पूछना तो उसको पूछ लेना, तो कोई बात पूछ लेना मनोज को या जिसको विश्वास इसका कि ये अनुभव है उसको पूछ लेना। जीवते गुरु की जरूरत है, एक चार देते हैं दूसरे को बता जाता है, दाता चार जैसे टाइम आई बोला भाई ऐसे करना मेरे बाद तो कोई बात पूछ लेना, सवन सिंह से पूछ लेना तू तो ब्यास आए खिलाफत कर लगे ना कि गुरु नहीं जाता बकवास करता है बूढ़ा, गुरु का विश्वास टूटते लोगों को, तो इसकी चैलेंज देने लगी इसको शक्ति वगैरह सब खत्म करा दी, याद रख ऐसे क्या करता तो देखा तो विरोध हो गया। गुरु जी कह गया तू सच्चाई बता देना, और ये कहते हैं कि तू सच्चाई बताता तो गड़बड़ कर दिया विश्वास तोड़ रहा लोगों को, ये मन के मंडल पर रखना चाहते हैं, और वो मन के मंडल को ऊपर निकालता था कि मन तुम्हारा मन कुछ नहीं, मन का खेल है ये, रोहनीयत नहीं है नीयत। इसलिए फिर वो एक दिन जा करके जूती निकाली स्टेशन पर ही, और बस अपने आहिस्ते आहिस्ते चलते गए और जाके जहाँ सत्संग हो रहा वहाँ जाके दो चार शब्द कहा गया, वो आती बिनती करी बेटिया। तो वो सावन सिंह पूछा बोल फकीर कैसे है, शिकायत तो रोज़ मिलती थी उनकी कि फकीर ऐसे बोलता है, बोले महाराज मैं इसलिए आया हूँ आपके पास में, मेरे गुरु महाराज जब शरीर छोड़ने लगे, अब देखो आकर तक गुरु की जरूरत पता ही पड़ी है, जब राता जाल नहीं रहा तो जिंदे गुरु की जरूरत थी, उन्होंने जिंदे गुरु का बता दिया कि जिंदे गुरु को काम नहीं सकता। तो राधा स्वामी वाणी की यह बड़पण है कि यह बात तो इसने बताई धर्म किसी ने बताई नहीं, या नई बात बताई उन्होंने, और अब भी क्या हालत हो रही है उसकी, अब तो उसका नाम लेने से ही बुरा लगता है, जो वहाँ कुछ नहीं अकीर हो गया ज्ञान। तो वो ज्ञान जो बताता गुरु जो जीवन तक के लिए बताया जाता है, ये दशरथ के बेटे की बातें हैं सब, और अगला जो चीज़ है वो साधन की बात, जो जैसे वो कितना पड़ता हटा दिया कि वो आज बार से कुछ नहीं आता है, वो फिर आ गया है एक राम का सकल पसारा। सकल पसारा वाली बात क्या है, वो प्रकाश जो है ना उसका सकल पसारा, सूर्य के किरणों का सकल पसारा हो रहा है यहाँ पर, इसे दुनिया मंडी है सब काम है। और एक राम घट बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सभी सिनेरा वो सूर्य चांद तारों से आगे जहाँ से वो बनते हैं, वो अस्थि बेस है सबकी, वो करता करता कुछ नहीं है, वो आधार है। तो वो जो है एक ऐसी अस्थि है इस चांद सूर्य तारे से परे किसी लोग को बहुत आगे, और उससे क्या करता है वो कुदरती लोड देता थोड़ा सा और उसे रेडियस से निकलती चांद सूर्य तारा लोक अंतर सब बन जाते। उसी से जो एक सर्कट आता है तो उससे मनुष्य की सूरत निकलती है उसी का अंश, और वो घूमते चक्कर लगाते इस लोक में जाता, अरे मनुष्य की सूरत फिर मनुष्य का रूप वगैरह बढ़ाना उसी का इच्छा थी प्रभात वो ये काम करता है। तो मनुष्य इस लोक के अंदर है ईश्वर अंश, ये बात क्लियर नहीं कही गई पहली सहन में तो सबने कही है सच्ची नहीं कही, पर फकीर ने इसको कहा कि इसके ये ईश्वर अंश है। उस कैसे है चांद सुर तारों से ज़्यादा बेहतर इसकी शक्ति है, अगर ये बताते ना ब्राह्मणिया ज्योतिषी तो उससे आगे का है, चांद सुर तारा तो पीछे इधर आ गया लुटी पर है, एक जो एक फूल ही बढ़ाता है एक फल फूल लगाता है, अग्रज बन जाए छोटे छोटे तारे, इनकी अलग अलग शक्ति है सबकी अलग अलग हस्ति है अलग, सूर्य से तो जीव पैदा होता है जीव पैदा हो गया उसको, और फिर जो आगे ग्रह है वो फिर उसका आगे काम करते हैं फल फूल वगैरह हस्ते ये बढ़ते। तो वो जो उससे जो हस्ति आई है यहाँ पर है वो राम सभी से न्यारा है, वो इन माता नहीं। तो चार पोजिशन बता दिया ना,
अगर हम दशरथ का बेटा जिंदा गुरु बगैर जिंदे गुरु के काम नहीं होगा। आखिरी तक मनुष्य को ज्ञान देगा, मनुष्य देगा। कोई जो विचार बीजन आएगा वो तो उसके मन बढ़ाता है। एक राम प्रकट हो तेरे को कहता है ऐसा कर लो, ऐसे मन साफ है तो वो बात ठीक है देगा। मन साफ है कुछ नहीं है तो जो बात होने वाली पर ही बता देगा गुरु। कौन वो जो प्रकट करता है वो, ताकि आपको तसली हो जाएगी। पर मन गंदा तो उल्टांग बताएगा। पंडित फकीर सिंह यही तो भ्रम था, रामकृष्ण तो पहले ही पैदा करता था, वो कृष्ण मूर्ति चल रही थी, कहीं गया उधर तीर्थ स्थान ना क्या वापस आया, राम कृष्ण मूर्ति आ रही थी, रस्ता में गोबर पड़ा, गोबर खा, गोबर खा लिया। स्टेशन पर आके सोचा, ब्राह्मण था ना, स्टेशन पर सोचा कि भगवान ने कहीं भी किसी भगत को ये नहीं कहा तो गोबर खा ले, और उसको ज्ञान नहीं था इसका, उसका मन गंदा था। मन गंदा था तो गोबर की बात करी, अगर मन अच्छा होता तो बात करता ही नहीं। उसका इसको पता नहीं था, वो मन का ज्ञान देने के लिए तो बाहर का गुरुदेव तरीका बताया, काम कराया, ये कराया, वो कराया, सब कुछ कराया, लोगों को ज्ञान दिया, सत्संग कराया, और फिर बालों में प्रकट होने गया कि मैं नहीं जाता हूँ तो दाता जाए कहाँ था। आखिर युद्ध की बात है, युद्ध हो रहा था तो आश्रम के अंदर बहुत हमला हुआ पहले दिन, वो स्टेशन पर वो हमले को रोक किया तो बड़े मर गए आदमी, काफ़ी मशीन गन से गन से आदमी मर गए, फड़े रहे रात को, और रात के टाइम पर वो निकले। जब जाने लगे तो वो वहाँ का सुधार साफ करने गया, हमारे पास सबने सुन धहरी पर ख़त्म हो गया, तो क्या करेंगे। तो पंडित फकीर सिंह जी का वही तरीका था, बैठे ध्यान में और गुरु जी का रूप आ गया करने का। फकीर इनको कह दे फिक्र नहीं करे, ये इच्छा थी नहीं कि महाराज ये बात है, ये इच्छा लेके ध्यान किया और फट आके वो रूप बताया। किसने बताया, उसके मन ने। कैसे बताया कि वो मन के ऊपर जो इच्छा थी वो, उसका मन साफ था और आगे बता दिया ऐसा है ऐसा। इसने फिर कह दिया कि ऐसे हमला नहीं करेंगे भाई, सुधार साहब होता है और कोई फिक्र नहीं, अपने कल आ जाए, कोई अर्ज की बात नहीं, और घबराओ मत, ये तो सिर्फ अपनी लाश ले जा रहे थे, इनको निशाना मत पड़ाओ, ऊपर आसमान में एक दो फेर करते रहो कभी कभी, ताकि ये ख्याल कभी जागे ये लोग। जब ये बात हुई तो वो सबका सब फिर जब इकट्ठे हुए सब युद्ध के बाद, तो फिर प्रेमी ने बताया, बोले महाराज आप आए पंडित फकीर सिंह जी को, आप ऊपर बैठो, कहिए गुरु की जगह बोले तो आप गुरु हो बैठो। बता फिर उन्होंने अपनी कहानी बताई, कब मैं गिरा था मेरा स्टेशन, और ऐसे आप आए मेरे को ये कर दिया, कोई बोले ये कर दिया मेरे साथ, ये कर जो वैसे मन इकट्ठा है ना सबका, अरे ये साधक थे सब। अब उन्होंने बताया, तब सोचा मैं तो गया नहीं, अरे ये कहता आप आए तो इसका मतलब दाता दयाल भी आए नहीं, मेरे भी दाता दयाल नहीं आई, आने वाली क्या चीज़ है ये, तो वो बात से सुन भाई। इतना पापड़ बेलने के बाद उनको ज्ञान दिया, बड़ा गहरा मिला ने, और मैं गया अपने दर्शन से ये रूप आप छुटा दिए। बाद में पता चला किताब आती थी ना उसमें पता चला कि तो खुद बनाता आदमी, समझे ना, तो ये गुरु की कृपा, गुरु मिले फिर कहाँ कमाना, जो बताया था ना मेरे को कि वो सच्ची बात सीधी बता देता है। अब मैं बात तो बताता हूँ, कदर कितने करते हैं इसकी, कदर होगी नहीं, क्यों साफ बताने का धर्म आ गया। कुछ आदमी जानना चाहते हैं आज का आदमी सीधी जानना चाहता है बात कि रहस्य क्या है, रहस्य क्या है, रहस्य इसका मन बनाता है, मन पवित्र है तो देवता रूप बना लेगा, मन गंदा है तो राक्षस भूत नजर आएंगे, न देवता हो न राक्षस आवे, क्या प्रूफ, व्हाट प्रूफ यू हैव, मेरे को ये पंडित फकीर सिंह वो प्रूफ था, लोगों ने बताया कि आप आते हो, और मेरे को ये बात पापड़ बेलने की जरूरत नहीं। बाद में होता था तो मैं कोई आश्चर्य नहीं करता था, किसी का कुछ काम हो जाता तो आश्चर्य बताना चाहिए, बताता प्रत्येक किता कुछ महाराज मंत्री, बोले मैं भी कुछ नहीं किया, ये उसी के मन की शक्ति, आप समझे ना, ज़्यादा पापड़ नहीं बेलना पड़े और बाकी पापड़े बेलते। तो मैं बता क्या रहे थे आप, क्या शुरू किया था मैं, ये राम कृपा नाशन सब रोगा, शुभ कर्म में जब आ जाते हैं ज्ञान हो जाता है, सब राम की कृपा उस परमात्मा की हो तो सब रोग सब शक भ्रम भर दूर हो जाते हैं। जय भांति बने संजोगा, ऐसा संजोग बने, कैसा, सतगुरु वैद्य, सतगुरु अजय वैद्य बन के, और उसका वचन जो है वो दवाई है, वचन विश्वास था, और वचन दवाई देगी फिर ये नहीं ख्याल कर आराम आएगा कि नहीं आएगा, ये नहीं दवाई दे डॉक्टर में ठीक हो जाओ, वचन विश्वास है, महाराज जी ने कह दिया वो हो कि नहीं होना, ये नहीं वचन विश्वास था। संजम ये ने विषय की दूसरी बात और नहीं सोचे, ऐसे नहीं हो जाएगा ऐसे कहेगा कि नहीं, महाराज जी ने कह दिया। जैसे रकमला रोज कहती है ना कि मैं आशीर्वाद लेके जाती हूँ, महाराज कहते हैं और मेरा विश्वास था अगर राम कृपा वो सस्त वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड, मेरा निश्चयात्म बुद्धि काम करती थी, इसकी व्यर्थ काम करती थी, तो ये संजम ये ने विषय और नहीं कह दिया महाराज तो पूरा होगा।
ये बात है। इसलिए आज का जो सत्संग है वो क्या है कि परमात्मा की कृपा हो तब सब रोग दूर होते हैं आदमी के, सब भयम डर वगैरह दूर होता है। कैसे होंगे, कोई ऐसा संजोग बन जा, क्या कोई सतगुरु आ जा, सतगुरु मिल जा, सच्चा ज्ञान मिल जा, और गुरु मिले फिर कहाँ कमाना, फिर रगड़ा पट्टी करने की ज़रूरत नहीं। ध्यान धावना बहुत ज़्यादा रगड़ा पट्टी में जाने की ज़रूरत नहीं है, कि मन ठहर गया ठहरा हुआ है और विश्वास बना रहे, विश्वास बना रहे मन ठहरे निश्चात्म बुद्धि, और वो बन जाता है फिर उसके बाद में जो कुछ बन ठहरिया हुआ और ठहरे बाद सोचेगा वही हो जाएगा, मन पवित्र हो जाएगा, ईविल थिंकिंग निकल जाएगी, जहाँ तब क्यों सोचता हूँ, कहता ने विषय क्या सा, फिर है हुआ कि नहीं ये छोड़ देता। तो ये चौपाई है रामायण की, ज्ञान तो उन्होंने दे दिया, समझा कितना उसको, इस चौपाई को समझा कितना आदमियों ने, और वो भर दिया दो दिन में कि राम कृपा नाशे, एक चौपाई राम कृपा नाशे सब रोगा, जय भांति बने संजोगा, ऐसा संजोग बने, क्या संजोग बने, सतगुरु, कोई सतगुरु मिल जाए पूरा सत्ता ज्ञान देने वाला, सतगुरु वैद और वचन विश्वास है, और उसके वचन का विश्वास, और संत भी है, इसका परहेज क्या है न विषय क्या सा, फिर ये नहीं कि होगा कहेगा कि नहीं, ये तो होगा महाराज जी ने कह दिया ना, और बिल किसमें उसकी बिल काम कर रही, समझिए ना बात। तो ये एक चौपाई में भरा हुआ पहले से उनने, पर कम वक्त उन्होंने कराया क्या, उनने महाराज जी कह दिया किता क्या है संतों ने, हम पहले मन के मंडल फिर डाल दिया, मेरा ध्यान कर लिया करो, पहले मन के मंडल पर तो थे ही, और मन के मंडल की बात बता दी, आखिरी बात बताई नहीं, तो आखिरी बात उन्होंने इसलिए नहीं बताई कि शायद हम योग्य नहीं थे। मैं कहता हूँ उन्होंने बात तो कही इसलिए हमको नहीं बताई कि हम उस टाइम में समझने के योग्य नहीं थे, शायद उनको भय हो गई जो मार देते थे, शायद वो मरा देता था राज, कहता तू ये कुरान शरीफ से अलग कैसे बोलता, ये देख रहा क्या गीता में, तो ऐसे कह गीता में सोया कैसे, गीता कहता आत्मा सब कुछ है, अरे बाद में निकल जाएगा, आत्मा कुछ नहीं है, आत्मा तो एक स्टेज है, एक आनंद का लोक है, एक आनंद के जून में आदमी आनंद देता है, आनंद की बेहद का आनंद है वो, और वो प्रकाश है, प्रकाश का मिलता है उसको, समझा गया आपको। तो आज का सत्संग इस उपाय पर था कि शुभ कर्म हूँ तो कोई सतगुरु आ जाए वैद्य बन के, और वो उसका वचन का विश्वास कर लिया जाए, और फिर उसकी बात को जैसे डॉक्टर कमला कहती है कि और सब कुछ कहते संत वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड, ये बात निश्चयात्मक हो, महाराज जी कह दिया तो होगा मेरा काम, और होगा आपके निश्चयात्मक बुद्धि से, ठीक है ना, समझ आ गई, इतना काफ़ी है।